नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्रश्न में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसमें आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित आपकी जितनी योजनाएं और जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, इन सारे योजनाओं को हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, दो दो चार चार योजनाएं हर वीडियो में रहेंगी, इन वीडियो के माध्यम से हम जितने योजनाएं हैं इन योजनाओं की पहचान करेंगे, इनसे संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम, जैसे आपके UP SSSC VPO का एग्जाम हुआ, वीडियो का एग्जाम हुआ, चाहे आपके UP SSSC लेखपाल का एग्जाम हुआ, चाहे आपके UP SSSC से संबंधित कोई भी एग्जाम, चाहे आपके RO ARO किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो उसमें अगर आप देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनाए भी जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड आपके जितने फैक्ट्स होंगे उन सारे फैक्ट्स को हम लोग यहां पर देखते हुए चलेंगे। ये जो आपका है, इन योजनाओं में अगर उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं में मैं बात करूं, तो आज जो हम योजनाओं को देखेंगे वो सौभाग्य योजना है, प्रधानमंत्री आपका आवास योजना, आपके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों देखेंगे, सामूहिक विवाह योजना, सुमंगला योजना, जन आरोग्य योजना और आपके मुख्यमंत्री बाल श्रमिक योजना को देखते हुए चलेंगे। इसमें जो आपका पहला आता है वो कन्या सुमंगला योजना है। कन्या सुमंगला योजना के बारे में अगर मैं बताऊं तो कन्या सुमंगला योजना जो बेसिकली ये है कि यहां पर बालिकाओं के लिए, यानी बालिकाओं के लिए ये योजना शुरू की गई है जो उनके जन्म से लेकर शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने की सामाजिक सुरक्षा और प्राप्त करने तक की सामाजिक सुरक्षा बात करनी है यहां पे, यानी कि सामाजिक सुरक्षा को बात करना, बेसिकली कन्या सुमंगला आपके बालिकाओं की बात कर रहा है। ये जो योजना है ये आपके 6 चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। 6 चरणों की आर्थिक सहायता है। 6 चरणों में कौन से, जो परिवार के प्रति बालिका को क्या होता है, विकास के विभिन्न चरणों में सुनिश्चित करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे इन सारे फैक्ट्स को हम यहां देखेंगे। इस योजना का अगर लाभ मैं बताऊं तो परिवार, एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को मिल सकता है, एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को, और इसकी वार्षिक आय सीमा जो होगी वो 3 लाख बनाई गई है। जिनकी अगर वार्षिक आय सीमा 3 लाख से ज्यादा होगी उनके लिए ये योजना नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस योजना में आपका क्या होता है, गर्भावस्था के समय से लेकर के बालिका के उच्च शिक्षा तक सहायता की प्रदान की जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें आपका क्या होता है, इस योजना की जो शुरुआत है ना वो 2019 से आरंभ की गई थी, ध्यान रखिएगा 2019 से इस योजना की शुरुआत की गई है, ये आपका हो जाता है। एक दूसरी योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जो समाज के पिछड़े वर्ग के और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं ना, किस चीज से, सामाजिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना उनके उनके जोड़ों का विवाह करने के लिए सहायता प्रदान करना होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि सरकार द्वारा प्रत्येक जोड़े को ना 2 लाख रुपए तक की क्या की जाती है, सहायता राशि प्रदान की जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है, इसके लिए लाभार्थी आदमी कौन है, तो उसके लिए लाभार्थी वो है जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम हो, ये बात ध्यान रखिएगा। इस योजना की अगर शुरुआत मैं बताऊं तो इस योजना की शुरुआत आपके 2017 अक्टूबर से है, अक्टूबर 2017 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें और भी क्या चीजें हैं, इसमें समय सीमा भी एक है, जो बेसिकली लड़कियों के लिए आपका क्या हो जाता है 18 साल और लड़कों के लिए आपका 21 साल समय सीमा जरूर होनी चाहिए, यानी इससे कम होगा तो शादी में इसमें अड़चनें आती हैं, ध्यान रखेंगे। योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें शादी का जो खर्चा होगा ना वो कौन देगा, गरीबी गरीब परिवार के शादी का खर्चा जो होगा वो कम हो और इसके लिए गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ ना हो। चलिए बात करते हैं आपके मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्याधन योजना, ध्यान रखेंगे यहां पर ये बाल श्रमिक विद्याधन योजना नहीं है, ये योजना आपके मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है। ये जन आरोग्य योजना जो है ये बेसिकली आपकी एक प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजना है जो आपके मध्यम वर्ग और आपके आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलता है, जो बेसिकली जो आपके यूपी में निवास करते हैं। इसके लाभार्थी कौन होंगे, इसके लाभार्थी के में पहला चरण जो होगा वो आपके यूपी का मूल नागरिक होना चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के परिवार भी होंगे और लाभार्थी के परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक की बीमा का प्रस्ताव यहां पर किया गया है और इसके लिए जो आपकी प्रारंभ वर्ष है वो 2019 है।
मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, ये मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत आपके 2019 में 14 सितंबर 2019 से शुरू किया गया था। इसमें होता क्या है, अगर किसी भी दुर्घटना में कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाए या फिर वो परिवार का सदस्य जो जीवन यापन करने के लिए उस परिवार का मुखिया होता था, अगर उसमें किसी भी तरीके की अगर विकलांगता आ जाती है तो इस मामले में ना किसान, इस मामले में उनके लिए मुआवजा की बात करी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एज ग्रुप जो है वो 18 से 70 वर्ष की आयु के जो किसान होंगे, यूपी के अस्थाई निवासी होंगे, और वो यूपी के अस्थाई निवासी होंगे, ध्यान रखिएगा, इनमें क्या होता है, इनमें 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि जो है वो सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक योजना क्या है, वो बच्चे जो किसी ना किसी कारणवश आर्थिक रूप से कमजोर होने के नाते किसमें चले जाते हैं, आपके शिक्षा से वंचित होकर के मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं, उन बच्चों को क्या करना है, गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना ही क्या है, आपकी बाल श्रमिक विद्याधन योजना, बाल श्रमिक विद्याधन योजना है। ध्यान रखिएगा, इसमें लाभार्थी आपके 8 से 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए, यूपी का नागरिक होना चाहिए, इसमें जो राशि मिलती है वो 1000 से 1200 रुपए प्रति माह मिलती है और 6000 रुपए का प्रति वर्ष जो होता है ना एक फाइनेंशियल सहायता, जो आपकी वित्तीय सहायता कहते हैं ना, उसे दी जाती है। इस योजना की शुरुआत आपके 2020 में की गई थी। सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना जो बेसिकली संबंधित है आपके बिजली से संबंधित है, यानी प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना जो आपका है, यही सौभाग्य योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, यानी हर घर बिजली पहुंचनी चाहिए। लाभार्थी कौन होगा इसके लिए, इसके लिए लाभार्थी वो होगा कि जिनके घर विद्युतीकरण के लिए, परिवारों में जिनके घर बिजली नहीं गई है उनको बिजली पहुंचाना, वहां तक ये मेन काम है इसका। ध्यान रखेंगे, एक डेटा निकाला गया, उस डेटा के अनुसार लाभार्थियों को चिन्हित किया गया और उन्हें बिजली पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसकी ध्यान रखेंगे प्रारंभ तिथि आपके 25 सितंबर 2017 से है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है, अगर ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की बात करूं मैं, तो ध्यान रखेंगे जो आवासहीन परिवार है ना गांवों में, जिनके मकान कच्चे हैं या जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनको बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर प्रदान करना, यही जो इस योजना का एकमात्र लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है इसमें, कौन परिवार शामिल होता है, जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनके घर कच्चे और जीर्ण शीर्ण हालत में है, या वो बंधुआ मजदूर हैं। देखो इसमें जो आपके बंधुआ मजदूर हो गए, बिना घर वाले हो गए, कच्चे घर में रहने वाले परिवार हो गए, ठीक है ना, साबर वंश के बिना जो आपके परिवार हो गए, या सारे जो गरीब, जिनके पास गरीबी के मतलब जिनके पास किसी भी तरीके का पक्का मकान नहीं है, उनकी बात यहां पर आ जाती है। ये जो आपकी बात होती है, योजना की बात करते हैं, तो इस योजना की शुरुआत जो की गई थी ना, वो 1 अप्रैल 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ठीक ना। इसका उद्देश्य क्या है कि सबको पक्का घर देने की बात की गई है। लाभार्थी वर्ग कौन से हैं इसके, तो इसके अंतर्गत बंधुआ मजदूर, बिना घर वाले और आपके कच्चे और असुरक्षित घरों में रहने वाले, अन्य गरीब, ये सब इसके लिए क्या हो जाते हैं, आपके एलिजिबल हैं। मानदंड क्या है इसका, इसका मानदंड जो हो जाएगा, लाभार्थियों का चयन जो होगा ना, सामाजिक आर्थिक मानदंडों पर आधारित होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। योजना की शुरुआत आपको मैंने बताई थी 2016 से हुई थी और 2022 तक इसका लक्ष्य बनाया गया था कि सभी को पक्का घर उपलब्ध करा दिया जाए। इसकी अन्य विशेषता क्या है, बुनियादी सुविधाएं जैसे आपके शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली कनेक्शन और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी इनको प्रदान की जाए। कह रहा प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसका शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है इसका क्या है, तो इसके में शहरी क्षेत्रों में जो लोग लाभार्थी हैं ना, उनको 12 मासी पक्के मकान उपलब्ध कराने का प्रमुख कार्यक्रम जो है वो आपके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। ध्यान रखेंगे इसमें आपके EWS, LIG, MIG की बात की गई है। ध्यान रखिएगा लाभार्थी इसमें से कौन से हो जाएंगे, EWS वाले जिनकी आय 3 लाख रुपए तक की हो, LIG वाले जिनकी आय 3 से 6 लाख के बीच में हो, MIG 1 वाले आपके 6 से 12 लाख
और MIG 2 वाले आपके 12 से 18 लाख रुपए की बात करते हैं। पात्रता मानदंड जो होगा वो पारिवारिक स्थिति होगी, घर का स्वामित्व होगा, आयु और वैवाहिक स्थिति होगी, ये सब सारी चीजें आपकी पात्रता मानदंड के बारे में ध्यान रखेंगे। 25 जून 2015 को भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था, भारत सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलाई गई थी, वही योजनाओं का एक समराइज वे में यहां है। तो इन सारी योजनाओं में जो जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे उन सारे फैक्ट्स को मैंने यहां पे बता दिया है। इस पर और आपके जो जो आपके MCQs बन सकते हैं उन सारे MCQs को भी मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।